हेलो फ्रेंड्स, रिनिश का किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखाना की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो मखाना की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। मखाना लगेंगे हमको 2 बाउल, अदरक लहसुन पेस्ट, गरम मसाला पेस्ट और हल्दी, जीरा, राई, नमक। ये देखिए, मैंने बारीक प्याज काट लिए हैं, उसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया है और ये मैंने 1 टेबलस्पून तेल के साथ भून के उसका पेस्ट बनाया है। ये है मखाना, 1 टेबलस्पून तेल में मैंने उसे अच्छे तरह भून लिया है। अभी हम बनाएंगे ग्रेवी। अब ग्रेवी के लिए मैंने लिया है, ये देखिए, मखाना अच्छी तरह भून के कलर चेंज करने तक उसे धीमी गैस पर भून लेना है और ये गरम मसाला पेस्ट है। चलो, अभी मैंने तेल लिया है 1 बड़ा टेबलस्पून, उसमें मैं डालूँगी गरम मसाला पेस्ट। और ज़्यादातर जो गरम मसाला नहीं खाना चाहते वो 2-3 प्याज की पेस्ट भी डाल सकते हैं। सिर्फ प्याज की पेस्ट डालने से भी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, सिर्फ उसको अच्छी तरह पकाना होगा हमको। अब देखिए, ये पेस्ट पक रही है धीरे धीरे और हम मिक्सर से अच्छे से मसाला निकाल के पूरा मसाला तेल में भून लेंगे और जितना ज़्यादा ये मसाला भुनेगा उतनी अच्छी सब्ज़ी बनेगी। अब पानी डाल के मैंने मिक्सर साफ कर लिया है, वो डाल देंगे मसाला में और जब तक अच्छी तरह कलर चेंज ना हो जाए हमें इसे भूनते रहना है। 15 मिनट तक हम इसे भूनने के बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, जो मैंने फ्रिज में बना के रख दिया था। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए, कलर चेंज हो गया है मसाला का, तब तक पका लिया हमने। अभी डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच नमक डाल के मैंने अच्छे से उसे पका लिया है। अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे ऊपर से ताकि ये मसाला अच्छी तरह पक जाए। अब डालूंगी बारीक कटे हुए टमाटर, उसे अच्छे से चला लेंगे और एक भाप निकाल लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। अब टमाटर हमारे पक गए हैं, अभी हम डालेंगे मखाना जो हमने तेल में थोड़ा भून लिया था। अब उसे अच्छे से चला लेंगे ऊपर नीचे। ये देखिए, और एक भाप निकाल लेंगे ढककर। देखिए, पूरा मिक्स हो गया है मखाना। अब पानी डाल देंगे 1.5 ग्लास। ये 4 लोगों की सब्ज़ी बनाई है मैंने, आपको अगर पानी कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, जब तक इसको उबाल नहीं आता है हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे। ढक के रख दिया मैंने और ये देखिए, अभी उबाल आ गया। 5 मिनट बाद धीमी गैस पर उबाल आने तक इसे पकाइए। ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए, अगर ज़्यादा पतली हो तो थोड़ा ज़्यादा पका लेना ताकि पानी चले जाएगा और अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और उसमें धनिया पत्ती मिला लूँगी। तो देखिए कितनी सुंदर दिख रही है सब्ज़ी। यह सब्ज़ी जिनको कैल्शियम की कमी है उनके लिए बहुत अच्छी होती है, बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए, हमारे घर के बुज़ुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, जिससे हड्डियाँ में दर्द नहीं होता है और हेल्दी हड्डियाँ होती है। तो देखिए, अपने घर में बना के अपने घर के बच्चों को खिलाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए मखाना की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। बाय बाय।